ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। आज यहां क्या स्थिति है इससे आप भली भांति परिचित। स्कूलों में टीचर की भर्ती तक के लिए युवा साथियों से लाखों रुपए वसूले जाते हैं। दीदी इतनी बौखला गई है, कब उन्हें भगवान की बात करना भी खटक रहा। हालत तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। गरीब साथी को ये भरोसा मिला है कि ये चौकीदार घुसपैठियों की पहचान करेगा। गरीब को ये भरोसा जगा है पूजा पाठ करने वाले लाखों साथियों को, जिन्हें अपने ही देश में पराया बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम। और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। आपका ये चौकीदार दिल्ली से गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों को सस्ता राशन मिले इसके लिए रुपये भेजता है, लेकिन यहाँ दीदी के एजेंटों को फायदा नहीं मिलता तो योजना ही बंद कर दी। मैं पूछता हूँ, दीदी ये गरीबों से इतनी नफरत क्यों है आपको? आजकल दीदी काफी डरी हुई है, बौखलाई हुई नजर आती है। जब दीदी को भी जनता के फैसले का डर सताए तो ये डर अच्छा है। दीदी का चौंकी धमकी, ये चौंकी और धमकी वाला मॉडल अब नहीं चलेगा। महामिलावट के दम पर दिल्ली जाने का जो सपना दीदी देख रही थी वो अब मिट्टी में मिलता दिख रहा है। मैंने सिर्फ एक सभा में पुराने बोफोर्स के भ्रष्टाचार को याद कराया, बस इतना ही बोला। कुछ लोगों के पेट में इतना जोर से दर्द हुआ कि बस उन्होंने दहाड़े मार मार कर रोना ही बाकी रहा है। अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में, जिसको लेकर के दो दिन से आप आंसू बहा रहे हो,
उनके मान सम्मान के मुद्दे पर आइए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े। आप पे हिम्मत है, आइए पंजाब में उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं जोर कितना बाजुओं में है।